भाग बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्ती कीजिए और साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बादल आया। बच्चों, बादल के बारे में बताइए, आप लोग बादल देखे हो? तो बादल किन किन रंगों के होते हैं? तो बादल सफेद होते हैं। हमें बादल कहाँ दिखाई देते हैं? तो आकाश में दिखाई देते हैं। और जब बारिश आने वाली होती है बच्चों, तो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है और बादल किस रंग के हो जाते हैं? तो काले रंग के। तो चलिए बच्चों, काले बादल हमारे लिए क्या लाते हैं? तो वर्षा लाते हैं। तो चलिए बच्चों, इस काले बादल के बारे में ये कविता पढ़ें। चलिए, बादल आया, बादल आया, काला काला बादल आया, जल लाया, जल लाया, काला बादल जल लाया। तो बादल कैसा बादल आया बच्चों? काला काला बादल आया। और काला बादल क्या लाया? तो जल लाया। जल बरसा, झम झम झम। जब पानी हो, बारिश होती है बच्चों, जब नीचे की ओर गिरती है बारिश, तो आवाज आती है ना, झम झम झम, टिप टिप टिप। तो झम झम की आवाज बारिश होने पे गिरती, बहुत तेज बारिश होती है तो आवाज आती है। आप ध्यान से सुनोगे, जब बारिश होती है तो झमझम की आवाज आती है। नाच उठा मन छम छम छम, जब बारिश होती तो मन हमारा बहुत खुश हो जाता है और हम नाच उठते हैं, चलो बारिश हो गई, और खुशी से हम झूम जाते हैं। तो चलो बच्चों, इस कविता का फिर से हम लोग फिर से पाठ करें, इस कविता का फिर से दोहराए इस कविता को। बादल आया, बादल आया, काला काला बादल आया, जल आया, जल आया, काला बादल जल आया, जल बरसा, झम झम झम, नाच उठा मन छम छम छम। चलिए बच्चों, सभी अपने अभ्यास पुस्तिका में इस कविता को लिखेंगे। सभी बच्चे अपने अभ्यास पुस्तिका में इस कविता को लिखेंगे। अभ्यास पुस्तिका कार्य पहले लिखेंगे, आज का दिनांक लिखेंगे और इस कविता को लिखेंगे। इस कविता को देखकर लिखेंगे बच्चों और उसे दोहराकर इस कविता को याद करेंगे। और इसमें से आए आ की मात्रा वाले शब्द, वर्तनी, जो भी इस कविता में वर्तनी है उसे लिखेंगे। जैसे बादल, ब में आ की मात्रा, द ल बादल। आया, आ य आकार आया। काला, क आकार ल आकार काला। जल, जल मतलब होता है बच्चों पानी, जल मतलब होता है पानी। बरसा, जब बारिश होती है पानी बरसता है तो उसको बोलते हैं बरसा। झम झम, झम झम, जब आवाज किसी चीज की, जब बारिश आती है, होते रहती है, बहुत जोर की बारिश आती है, तो उस आवाज में झम झम की आवाज आती है, झम झम। नाच उठा, नाच उठा मन, छम छम। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें नाचने का मन करता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं तो हमारा मन करता है कि कहाँ कहाँ हम घूमें, कहाँ जाएं, क्या करें। खुशी से कुछ नहीं समझ में आता क्या करें। उसी तरह जब बारिश होती है तो हमारा मन झूम उठता है, हम खुशी से झूम उठता है। तो चलो बच्चों, इस बादल आया कविता को फिर से दोहराए। बादल आया, बादल आया, काला काला बादल आया, जल आया, जल आया, काला बादल जल आया, जल बरसा, झम झम झम, नाच उठा मन छम छम छम। तो चलो बच्चों, आज की इस कविता वाचन के द्वारा हमने किसके बारे में पढ़ा? बादल के बारे में। ठीक है बच्चों, इस कविता को आप दोहराओगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस कविता को लिखकर इसको याद करोगे। धन्यवाद।